অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে না পেরে আস্তে আস্তে মৃত্যুর পথে এগোচ্ছে ডুয়ার্সের আলিপুর দুয়ার জেলার বন্ধ মধু চা বাগানের শ্রমিকরা বিগত পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ ডুয়ার্সের কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগান বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এই বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা কোনোদিন একবেলা কোনোদিন দিন পেটা খেয়ে কোনো ক্রমে দিনপাত করছেন তারা কিন্তু এই অসুস্থ হলে অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না শ্রমিকরা ফলত বিনা চিকিৎসায় আস্তে আস্তে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হচ্ছে তাদের এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাগানের শ্রমিক পরিবারের সদস্য বিনোদরাও গত এক বছর থেকে বিনা চিকিৎসায় ঘরে পড়ে আছেন তিনি বিনোদ জানান এক বছর আগে তার পা ফুলে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে অপারেশন হয়েছিল কিন্তু ঠিক হয়নি সেখান থেকে তাকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু শিলিগুড়ি যাওয়ার অর্থ পাবেন কোথায় তিনি তাই এক বছর ধরে তিনি ঘরে বিনা চিকিৎসায় পড়ে আছেন বর্তমানে তিনি প্রতিবন্ধী বৈশাখী নিয়ে চলাফেরা করেন বাগানের বিজেপি শ্রমিক সংগঠনের নেতা লোকনাথ মাহালি জানান বহু শ্রমিক চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন অনেকে মৃত্যু পথগানী কিন্তু তাদের দেখার মতো কেউ নেই সালবার ডাক্তার তো আলিপুর জানেক বাদ ওহা হ্যাঁ মানে শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি জানা পয়সাটা নিয়ে তাড়ুওয়া খুশ পয়সা নেই মিলা इधर पंचायत थ्रो से भी कोई मदद नहीं मिला और काम धंधा एक काम है बगान में अभी बगान भी बंद है इसलिए हालत हम कमजोर गिरते आ रहा है और बाल बच्चा लोग है जाने के पश्चात नहीं मिला घर में कितना दिन से बैठा हुआ है ऐसे ऐसे तो अभी तो इनका तो मैंने साले बार हो गुजर गया ऐसे बैठा है वो ठीक तो नहीं हुआ हमारा बीमारी तो अभी एक साल हो गया एक साल माफी पूरा हो गया तो अलीपुर गया था हम लोग तो खुलने के बाद में हम लोग अलीपुर चला गया अलीपुर जाने के बाद में ऑपरेशन किया दो बार ऑपरेशन हुआ उसके बाद में भेजा कि सिलीगढ़ी जाने के लिए सिलीगढ़ी जाने के लिए तो पैसा नहीं था पैसा नहीं था उस तो हम घर में दे दिया हम लोग अब बागान भी बंद है हम लोग पब्लिक काम करता है दो बच्चा है हमारा बीवी है कोई मैंने हम लोग को ऐसा दिक्कत है कि कोई प्रधान पंचायत कोई ये नहीं करता है सलाह नहीं करता है ले जाने के लिए कुछ नहीं बोलता है कोई सरकारी मदद सरकारी थे? मदद भी नहीं है कुछ नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला है हम लोग और घर में कब से पड़ा है आप एक साल से पड़ा हुआ है तो बीमारी का बढ़ते जा रहा है हाँ बीमारी बढ़ते जा रहा है सरकार तरफ से कोई मदद भी नहीं है दिन दिन श्रमिक लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे तो प्रशासन के तरफ से उनके लिए कैसा कदम उठाया जा रहा है जैसे की जो यहाँ पर जो आरोप लगा रहा है प्रशासन और इसके सरकार के विरोध में जैसे मैंने देखा यहाँ पर दो महीने आगे एक हमारा मधुबगान जो है तीन साल से बंद है वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला था जिला प्रशासन को कि वहाँ पर जाओ एक फैमिली है वो जो हैंडीकेप भी है और वहाँ का एक महिला माने जो परिवार है उसका एक बहुत माने खतरनाक बीमार है जैसा कैंसर ऐसा बोला था मैं इमीडिएटली एक घंटे के मध्य वहाँ पर जाकर पूरा इंक्वायरी किया इंक्वायरी करने के बाद में मैंने इमीडिएटली डीएम सर को फ़ोन कर दिया फ़ोन करने के बाद में गाड़ी हमने प्रोवाइड किया और गाड़ी ले जाकर सीएमएच एम एच का हैंडोवर हुआ अलीपुर द्वार में और वो औरत एकदम सुस्त होकर यहाँ पर पहुंची अभी वो बहुत खुश है और वहाँ से एक बात भी हुआ है कि मधुबान में जिला प्रशासन को यदि इन्फॉर्मेशन मिले तो हम लोग एकदम करेंगे और अभी हम लोग सोच रहे बी एम साहिब से भी मेरा बात हुआ है यदि कोई ऐसा इमरजेंसी है कोई बीमार है इमिडिएटली हमारा बी में भर्ती कराना है यदि हम लोग सोच रहे हैं कि प्रत्येक क्लोज बगान जहाँ पर है वहाँ के प्रधान को बोलकर हमारा नंबर शेयर करेंगे वीडियो का और बी का नंबर इसी का ये इमरजेंसी हो तो हम लोग डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, हम गाड़ी प्रोवाइड करेंगे और इमिडिएटली दरकार हो तो हम लोग बी हॉस्पिटल लतावाड़ी में भेजेंगे और वहाँ से यदि रेफर किया वो भी हम ही जिला प्रशासन को वहाँ पर रेफर करके हम लोग बोल